ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है कल के लेक्चर में हमने छुपा ये नया चैप्टर था दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स क्या कर लिया था, स्टार्ट कर दिया था। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं किसी ट्रांजिशन मेटल आइटम की, तो वहाँ पर जो है मैग्नेटिक जो बिहेवियर है ट्रांजिशन मेटल का वो दो रीजन की वजह से अराइज हो सकता है। किस किस रीजन की वजह से? एक तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, प्लस सेकंड जो है किसकी वजह से अराइज हो सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। जिनमें हम न्यूक्लियस में मिलने किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की। मतलब क्या बोला मैंने यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हम ट्रांजिशन मेटल जो है वो जनरली जो है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, और वो जनरली मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या है ट्रांजिशन मेटल जो है मैग्नेटिक बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी जो किसकी वजह से राइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से राइज हो रहा है, वो जनरली क्या होता है, बहुत ही वीकर होता है एज कम्पेयर टू द वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो किसकी वजह से राइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। इसलिए जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जनरली जो मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होता है वो किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब जनरली जो है पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूक्लियस है उसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है वो क्या है, एज कम्पेयर टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। ठीक है, आगे बात समझ आपको यहाँ तक। तो देखिए अब जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँगी तो मैं क्या करूँगी कि जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं वो तो किसकी वजह से करते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो तो दो टाइप की मोशन शो कर रहा है, यानी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक तो वो अपनी ही स्पिन के अराउंड घूम रहा है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पिन मोशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वो क्या किसके अराउंड घूम रहा है, ऑर्बिट के अराउंड भी घूम रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किस वजह से अराइज होती है, क्यों अराइज हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन क्या करता है, शो करता है, और स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं किसकी टर्म में, बोहर मैग्नेटोन की टर्म में, किसकी टर्म में, बोहर मैग्नेटोन, ये यूनिट है किसका, किसका यूनिट है ये मैग्नेटिक मूवमेंट का, क्या है यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटोन, या शॉर्ट में बोल देते हैं BM, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, EH बाय में 4πmc। E यहाँ क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H क्या है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट है, M क्या है मास है, और C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये जनरली क्या है, यूनिट है हमारे पास इसका मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या फिर कोई भी कुछ भी है, कोई भी मेटल आयन है जिसके अंदर ओनली क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, जी अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का क्या है फॉर्मूला है। जो जी है यहाँ पर, जी को हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, क्या बोलते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू लगभग क्या रहती है, 2 के इक्वल रहती है। इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, इसकी वैल्यू 2 पुट करके इस 2 को मैं अंडर रूट के अंदर ले गई, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4s × s + 1। दैट मीन्स अगर आपको कोई कहे, मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन आपको दे देगा, मान लो क्रोमियम 3 पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, वो कहेगा इसका
निकाल के दिखाइए। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, 4s × f + 1 का अंडर रूट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे भाई कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं और वहाँ यहाँ पुट करेंगे s की वैल्यू, और s की वैल्यू यहाँ पुट करके यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। और किस यूनिट में आएगा, बोर मैग्नेटॉन की यूनिट में आएगा। एस क्या है यहाँ पर, एस एस स्पिन क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था आपके पास, ठीक है, अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। स्पिन क्या होगी उसकी, हाफ होगी, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम एस की वैल्यू क्या कर देंगे, हाफ पुट कर देंगे। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.732 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। स्पिन कितनी आएगी, हाफ, एस की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पर 1 आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस 4 × 1 1 + 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इतनी आ जाएगी। सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ये हो जाता 3 × 1/2 = 3/2, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी स्पिन मोशन की वजह से जनरेट हो रहा है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कौन सा है वो हमारा अल्टरनेट फॉर्मूला, ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, अंडर रूट n × n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब हम स्पिन मैग्नेट, ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं कि जो मैग्नेट, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो ओनली स्पिन मोशन की वजह से हो रहा है, तो वहां पर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो आप ये लगा लीजिए चाहे आप ये लगा लीजिए, सेम बात है। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, सॉरी स्पिन मोशन की वजह से जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। आगे की आपको बात समझ। लेकिन अब हम बात करते हैं, हम 3D 4D 5D सीरीज की बात करते हैं, तो क्या जो हमें डाटा मिला है मैग्नेटिक मूवमेंट का, क्या वो ओनली उसके अंदर स्पिन मोशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर ऑर्बिटल मोशन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो अब हम बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, 3D सीरीज में यहाँ पार्ट कर लेती हूँ, 3D 4D 5D, और यहाँ रेगुलर लैंथ है, ठीक है। जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो जनरली 3D सीरीज वाले हमारे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, मान लो ये कोई ऑर्बिटल थी हमारे पास ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये क्या कर सकता है, यहाँ एक टाइम पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। दैट मीन्स स्पिन मोशन क्या कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट मीन्स 3D सीरीज के केस में स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट तो जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं तो जनरली 3D सीरीज में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि जो ये ऑर्बिटल का हमारा मोशन है वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अभी जो ऑर्बिटल है ये हमारी क्या है, मूव नहीं कर सकती ज़्यादा, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल मोशन है हमारा वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और ऑर्बिटल मोशन रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से 3D सीरीज में जनरली जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा वो ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जनरेट होता है। हाँ कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा की और यहाँ पर थियोरेटिकल डाटा की, 3D के केस में मैग्नेटिक मूवमेंट का ये जो फॉर्मूला है जो किसकी वजह से जनरेट हुआ है, ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से जनरेट हुआ है, तो वो डाटा और इस डाटा में क्या रहता है, जनरली क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब वैल्यूज क्या आती हैं, सेम आती हैं। लेकिन क्या होता है जब हम 4D और 5D के केस में चले जाते हैं, तो यहाँ
शेड करने की वजह से ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम रखता है। दैट मींस जो आउटर जो ऑर्बिटल है वो इस वाली अंदर वाली ऑर्बिटल के साथ कम इंटरेक्ट कर पाता है, जिससे क्या है इस ऑर्बिट का मोशन क्वेंच नहीं होगा। ठीक है, और अगर क्वेंच नहीं होगा तो इस केस में क्या है, जो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मिलेगी वो ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ही नहीं, ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मिलती है। तो जब हम 4D और 5D सीरीज की बात करते हैं तो इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है वो जनरली स्पिन मोशन की वजह से भी जनरेट होता है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी जनरेट होता है। तो इस केस में हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं 4s × s + 1 + l × s + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। क्या बोला, 3D के केस में जो ऑर्बिटल मोशन है वो जनरली क्वेंच हो जाता है, जबकि 4D और 5D सीरीज के केस में वो क्वेंच नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, जनरली 4D भी आप छोड़ दो, 5D की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम हाइयर ट्रांजिशन सीरीज पे चले जाते हैं तो उस केस में क्या है, ऑर्बिटल मोशन का भी क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो हमने यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन का भी मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या दिखा दिया है, कंट्रीब्यूशन दिखा दिया है। ठीक है, आगे का समझ। लेकिन जब हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज की बात करते हैं, तो उस केस में क्या है हमारे पास, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होने की वजह से क्या है, स्पिन स्पिन ऑर्बिट ऑर्बिट और स्पिन ऑर्बिट, ऐसे हमारे पास क्या हो जाती है, उनके आपस के बीच में कपलिंग हो जाती है। और कपलिंग होने की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए फिर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज g√j(j+1)। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, g√j(j+1)। जबकि j यहाँ पर क्या है, j है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और जो j की वैल्यू है वो हमारे पास रहती है 1 + j(j+1) + s × s + 1 − l × l+1 / 2j × j+1। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहती है यहाँ पर, सॉरी जी की वैल्यू रहती है, जी को से लिख दिया, जो जी है डायरेक्टिक रेशियो है उसकी वैल्यू क्या रहती है, ये रहती है। तो आगे बात समझ आपको, जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो हम वहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है उसका कंट्रीब्यूट रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट में। क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट क्या हो जाता है, क्वेंच हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जब हम हायर ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो वहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का भी क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट में। इसलिए यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं वो स्पिन की वजह से भी निकालते हैं और ऑर्बिट की वजह से भी निकालते हैं। तो ये स्पिन का कंट्रीब्यूशन और ये क्या हो गया हमारा, ऑर्बिट का कंट्रीब्यूशन। लेकिन जब हम लैंथेनॉइड के केस में बात करते हैं तो वहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाती है, और कपलिंग होने की वजह से वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो है ये फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, जिसको हम एक और RS कपलिंग स्कीम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, RS कपलिंग स्कीम। और इस RS कपलिंग स्कीम का यूज करके हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है लैंथेनॉइड का निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो है g j × j+1। और जो g की वैल्यू है डायरेक्टिक रेशियो की वैल्यू है वो हमारी क्या रहती है, ये रहती है। तो आई होप सो आपको फर्क समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमने एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों नहीं लिया। हाँ, एक और चीज, इस केस में भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो है जो डाटा हमें ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से मिला है वो मैच नहीं करता है एक्सपेरिमेंटल डाटा से। तो वहाँ पर भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर ऑर्बिटल मोशन भी क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन क्यों इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो हमारी जो ऑर्बिटल है यहाँ पर डी ऑर्बिटल, वो क्या होती है, इनर होती है, अंदर की साइड होती है, वो शील्डेड रहती है किसे, आउटर जो है s और p ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से क्या है वो उसका ऑर्बिटल मोशन क्वेंच नहीं होगा। और ऑर्बिटल मोशन क्वेंच नहीं होगा तो स्पिन मोशन के साथ साथ ऑर्बिटल मोशन भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करता है इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट में। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक था।
आप इसको पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।